toda फितूर। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। आपका स्वागत है फ्रेश कमाल और शानदार व्लॉग में। एक्चुअली आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैं वहाँ पे पोखरा में था। कल मैं पोखरा से काठमांडू आ गया था, फ्लाइट से गया था मैं, बस से, लेकिन आ गया मैं फ़्लाइट से। एक्चुअली कल मेरा मूड नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि यार बारिश का मौसम, कपड़े गीले हो रहे हैं, एक तो फ़्लाइट डिले हो गई, 12 बजे की फ़्लाइट थी और यहाँ पे मुझे बिठाया 2 बजे वाली फ़्लाइट में, तो मैं लगभग 3 बजे पहुँचा यहाँ पे। 20 मिनट की हालांकि वो फ़्लाइट होती है, लेकिन होटल पहुँचने में मुझे लग गए 15 से 20 मिनट, मान के चलिए 4 बजे। और आज मेरा लास्ट डे है नेपाल में, यानी कि काठमांडू में। और आज मैं एक चीज़ तो मिस कभी नहीं कर सकता था, यहाँ का जो मोस्ट आइकॉनिक पशुपतिनाथ मंदिर है। हालांकि मैं पहले भी एक बार वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ, उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, तो अभी मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ और निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। इसका नीचे का व्यू एकदम ज़बरदस्त था, मतलब कि नीचे जो ब्रेकफास्ट वगैरह करने का वो था ना, ये रहा। इसी वाला मेरा रूम था ऊपर। आज बैठेंगे ना? हाँ बैठेंगे ना, बजा रहे हैं। हाँ कुछ यूट्यूबर है अभी, इनका अच्छा वीडियो बना के ये देखो कितना जबरदस्त होटल है, जबरदस्त। ये ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे, ये मेरा रूम था, बाकी यहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं नेपाल का फेमस आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन। क्या कर दिया? रोशन टूरिज्म व्यवसाय। अच्छा, यहाँ पे हालांकि ये लोग ना टूर पैकेज भी बुक करवाते हैं, ये आप देख सकते हो। दीपक भाई बोल दीजिए पूरा, इधर आके मेरा नंबर भी डाल दीजिए। हाँ हाँ, जिसके आपका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा। और ये होटल है ना मेन एरिया में ही है, जैसे कि थमेल एलओडी, ये सेंटर में है, इसीलिए ये मेरा दूसरी बार है, दूसरी बार मैं यहाँ पे हूँ। पिछले बार भी 1 वीक पहले आया था ना, तो यहीं पे रुका था, तो अभी भी यहीं पे रुका हूँ। काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ब्रेकफास्ट भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि 200 नेपाली रुपीज़ में ये आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का। आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा। उधर आपका दो होटल है ना, एक उधर भी है, और हालांकि यहाँ पे डॉर्मेट्री वाला भी है, अगर आप डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं। मैं भी आपका अगर बजट कम हो तो डॉर्मेट्री में 400 से 300 से 600-700 में डॉर्मेट्री अच्छा वाला एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। सब फॉरेनर आता है इधर, सब फॉरेनर भी आता है, फॉरेनर लोग आते हैं, गोरा लोग आता है ना, वो लोग एक एक महीना रुकता भी तो है। नहीं नहीं, 2-4 दिन रुके तो ट्रैकिंग जाएंगे ना एवरेस्ट। हाँ, हमको भी ट्रैकिंग करने का। हाँ। अच्छा, ये कौन दिया नोट? दे जो भी आता है वो लगाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाय हाय, वेयर फ्रॉम? स्पेन। स्पेन, यस, थैंक यू। पठाओ से स्कूटी बुक किया है 144 रुपीस में, अभी यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं। नेपाल में ना आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है पठाओ का, मतलब आपको चीप एंड बेस्ट में बाइक या टैक्सी आप रेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का वेदर अच्छा है। आप यूट्यूबर हो? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रोशन। रोशन, यू आर फ्रॉम काठमांडू? यस, आई एम फ्रॉम काठमांडू। मेरा दूसरा गांव है काठमांडू। ओके, पिछले साल भी आया था। अच्छा, पोखरा में था मैं 5-6 दिन। ओके ओके, हाँ। अभी मैं सोच रहा था उधर माउंट एवरेस्ट का वो करने का, लेकिन आज का ना वेदर थोड़ा वो सुबह वैसा था, और फ्लाइट भी मतलब पैसेंजर नहीं हुआ। गाइज, मैं पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच चुका हूं, अभी अंदर जा रहा हूं यहां से। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, ये पीछे चिल्ला रहा है। ले लो, आप पीछे से ले लो, इधर से ले लो। हजूर मलाई पर्दैन कस्तो सादामा सादामा
दिना पड़े 30 रुपए 30 रुपए 40 ए 50 अगरबत्ती वो जलाना कहां देता है वो देता है देता 60 रुपए अपने भाई आपके पास चेंज होगा जाना आपका हम अपना जूता यहां छोड़ते हैं छोड़ के आते हैं प्रसाद वगैरह है आके दे देना ठीक है ठीक है ओहो नहीं नहीं भैया को देना आपको चेंज जनन भाई चेंज कर देना गाइस ये मैंने लिया अंदर चढ़ाने के लिए और खास बात ये है कि जब मैं पिछली बार आया था ना तो इधर ही एक लेडी से लिया था वो 500 रुपये में मेरे को उसने बस फूल और बेलपत्र दिया था 500 रुपये का और इस भाई ने मुझे मेरे से लिया 60 रुपीज़ तो सही है यार भगवान के नाम पे पैसे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैं बस कैंपस में वीडियो बनाऊँगा बाकी चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं अंदर का ये आपको दिख रहा है ना सामने यही है कैंपस और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महादेव का जिन्होंने कि मुझे मौका दिया दूसरी बार इस मंदिर में आने का ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे हालांकि मैंने यहाँ का डिटेल वीडियो बनाया है मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में वहाँ से आप देख सकते हो जाके ये तो मुझे विजिट करना था दूसरी बार तो इसलिए मैं आ गया अभी जा रहा हूँ पूजा वगैरह करेंगे फिर आपको मैं बताऊंगा अंदर जाके हालांकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कबूतर दिखेंगे आप यहाँ पे मे भी दाना डाल सकते हैं ये देखिए दिख रहा होगा ये वही गेट है पशुपतिनाथ मंदिर का सामने रहा चलता हूँ मैं अंदर फिर थैंक गॉड फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम अगेन हियर शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का यहाँ पे आने के बाद ना अलग ही वाइब आएगी आपको मतलब कि अलग लेवल वाली एनर्जी फील होगी सामने देखिए गेट है पशुपतिनाथ महाराज का अब मैं जा रहा हूँ अंदर से पूजा करता हूँ सामने देखिए दिख रहा है सामने आपको सामने है पूरा अच्छा लंबी लाइन लगी है ये देखिए लाइन में लगना पड़ेगा काफ़ी लंबी लाइन है तो गाइज अंदर से मैं पूजा वगैरह करके आ चुका हूँ एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउड नहीं था ना तो वो वीडियो नहीं बनाई मैंने अंदर की और ये जो आपको पूरा दिख रहा है पीछे ये पूरा मंदिर का ही कैंपस है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे और डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है मैं लिंक एक्चुअली दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है तो आप वहाँ पर जाके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं इसकी स्टोरी के बारे में यही है पूरा और एक ख़ास बात बताऊं यहाँ की मैं इस मंदिर के जस्ट पीछे ही ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी का मंदिर है और पार्वती जी के मंदिर के जस्ट सामने ही दाह संस्कार होता है और ऐसा माना गया है कि इस मंदिर में अगर कोई मतलब अगर किसी की मृत्यु होती है किसी का देहांत होता है तो वो अगले जन्म में भी उसे ना मनुष्य में पैदा लेते हैं ऐसा माना गया है अलग अलग लोगों की धारणाएँ हैं चलता हूँ मैं पीछे फिर शूज़ पहन के आपको पीछे भी दिखाता हूँ आपको जैसे कैसे क्या नज़ारा है पीछे का चलिए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में
और यहाँ पे आपको ना काफ़ी जो उम्र के अंतिम पड़ाव में लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे आके अपना समय व्यतीत करते हैं, ताकि अगर उनकी मृत्यु यहाँ पे हुई तो वो अगले जन्म में सीधा उसको मनुष्य का ही मिले। उधर इस साइड को है, इसके टोटल चार द्वार हैं। ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे पूजा वगैरह कर सकते हैं आप। अब देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कुछ अनोखी चीज। ये पूरा मंदिर का कैंपस है, ये यहाँ से वहाँ तक। और ये देखिए सामने ये जो आपको धुआं वगैरह दिख रहा है ना, सारी लकड़ियाँ जो है ये सारा दाह संस्कार हो रहा है। 1 2 3 लगभग 10 लोगों का दाह संस्कार हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं इधर पीछे पूरा। और यहाँ पे अभी लाया गया है किसी मतलब किसी के मृत्यु हो गई है उसके डेड बॉडी को, और वहाँ पे दाह संस्कार किया जा रहा है। यही है गाइस, मतलब कि एक ना एक दिन तो ये लाइफ नहीं रहने वाली है, तो यही कह सकते हैं कि अच्छा काम कीजिए, छल कपट मत कीजिए, लोगों में प्यार बांटिए, ताकि अगले जन्म में भी अगर आपको किसी भी रूप में मिले तो आप जीवन का लाभ उठा पाएं। यही कामना है आप सबसे। देख सकते हैं पीछे पूरा, ये पूरा मंदिर का ही कैंपस है, और वहाँ पे भी एक दाह संस्कार हो रहा है। काफ़ी यूनिक है गाइस यहाँ पे, मतलब ना मतलब कि एक बार लाइफ में पशुपतिनाथ मंदिर आइए ही आइए आप लोग, ये मेरा दूसरी बार है। देखिए उधर दाह संस्कार हो रहा है, वहाँ भी दाह संस्कार हो रहा है, और उधर भी दाह संस्कार हो रहा है। अनोखा है यहाँ पे गाइस, बिल्कुल अनोखी चीज़ है। लाइफ एक दिन रहने वाली नहीं है किसी की भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्यार बांटिए, प्यार से रहिए, छल कपट मत कीजिए, लोगों का भला कीजिए, ताकि मतलब नेक्स्ट बर्थ में आपको अगले जन्म में भी मतलब अच्छा से आपको मतलब क्या कहते हैं उसको मनुष्य में हो। और जो लोग जैसे कि नॉन हिंदू होते हैं ना, वो यहाँ से आके उधर ऊपर से आके वो मंदिर देखते हैं, क्योंकि अंदर में ना केवल हिंदुओं का अलाउड है, वहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है। मंदिर का नज़ारा दिख जाएगा आपको, पूरा मंदिर का ही कैंपस है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।